दिवाली का त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है और धनतेरस को लेकर के बाजारें सज चुकी है और लोगों का आना जाना लगातार बाजार में शुरू हो चुका है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में, और सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पे लगातार पहुँच रहा है। जिस तरह से सदर बाजार की बात करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी सदर बाजार के बर्तन मार्केट में है, जहाँ पे तमाम बर्तनों की दुकानें हैं। और सबसे पहले मैं आपको बर्तन की दुकान के अंदर ले जाना चाहूँगा और जिस तरह से धनतेरस को लेकर के जो तैयारियां होती है, जिस तरह से धनतेरस को लेकर के लोगों के मन में एक्साइटमेंट रहता है, उस एक्साइटमेंट में सबसे ज़्यादा जो जगह लेता है वो कहीं ना कहीं बर्तन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लेता है। और सबसे पहले मैं आपको दुकानों का विजुअल दिखाना चाहूँगा, किस तरह से यहाँ पे जो दुकानें हैं और दुकानों में जो तमाम जो यहाँ पे जो बर्तन का जो आइटम है वो यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। जो डिज़ाइन के जो बर्तन है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे जो तमाम बर्तन है, जो छोटे बर्तन है, बड़े बर्तन, वो सभी तरह के यहाँ पे बर्तन अवेलेबल हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे स्टील के सारे बर्तन मौजूद हैं। और धनतेरस में यदि सबसे अधिक यदि ख़रीदारी होती है वो कहीं ना कहीं बर्तनों को लेकर के, और सबसे पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा बर्तनों को लेकर के धनतेरस में काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं, इस बार क्या कुछ खास है बर्तनों को लेकर? सर, इस बार बर्तनों में PVD कोटिंग का बहुत चलन चल गया है, इस पे गोल्ड और रोज़ गोल्ड फिनिश के बर्तन होते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ। मोनू, एक रोज़ गोल्ड PVD थाली सेट लेकर आओ। तो आजकल लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया, अब नॉर्मल स्टील कोई नहीं चाहता है, ब्रास फिनिश, एंटीक फिनिश, आजकल इन चीज़ों का चलन बढ़ गया है। और इस साल इन चीज़ों की सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी इन्हीं PVD कोटिंग में, और ये मेंटेनेंस फ्री बर्तन है। यदि बर्तनों की बात करें तो जिस तरह से सदर बाज़ार काफ़ी चर्चा में रहता है और सदर बाज़ार के अंदर यदि बर्तनों के मार्केट की बात करें तो ये सबसे बड़ा मार्केट है, तो इसमें कस्टमर को क्या कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर क्या कुछ रहता है? सर, इसमें त्यौहार के सीज़न में जो प्रीमियम जेंट्री क्राउड्स है वो इतने क्राउडेड जगह पर आना पसंद नहीं करता है, बड़ी ऑनेस्ट बात है। सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो पहले हुआ करता था कि लोग खुद आके बर्तन खरीदते थे अपनी पसंद से, वो चीज़ अब पिछले 2 साल से काफ़ी कम हो गई है, वो सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। कोविड के वजह से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हेल्थ को लेके। अब यहाँ पे अच्छी दुकानदारों से ज़्यादा जो छोटी पटरियाँ लगती है, संडे मार्केट जो लगती हैं, वो जेंट्री, वो क्राउड ज़्यादा रहता है। बट आप देख ही रहे हो मार्केट में भीड़ तो अभी भी है ही, और काम अपनी जगह पे एकदम ठीक है। जैसे ये बर्तन भी मंगवाया है, तो इस बर्तन में क्या कुछ खास है ये आप बताइए? सर, इसमें ये रोज़ गोल्ड की PVD है, ये 5 साल तक ऐसी ही रहती है, मेंटेनेंस फ्री है। आप इसी जगह अगर कॉपर का ग्लास लेंगे तो कुछ ही दिन में काला पड़ जाता है, बट इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये नई चीज़ आई है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। इसका प्राइस क्या कुछ रहता है? सर, इसका अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के आसपास एक थाली सेट पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे तमाम जो स्टील के बर्तन हैं वो भी यहाँ पे लगातार देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे पूरा पैक हो रहा है। यहाँ पे तमाम स्टील के बर्तन हैं, यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, धनतेरस में बर्तनों को लेकर के काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट रहता है, महिलाओं में खास करके काफ़ी एक्साइटमेंट। कैसे आप इसको देखते हैं, क्या बर्तन में इस बार क्या कुछ खास है? बर्तन में सब खास है, वैसे स्टील के लेते हैं लोग, पीतल हो गया, कॉपर के हो गए। आप क्या रहे हैं इस बार धनतेरस में? धनतेरस में बर्तन लेंगे हम। आप क्या कर रहे हैं इस बार धनतेरस में? हम लेंगे थाली सेट लेंगे, हमारे यहाँ PVD गोल्ड और रोज़ गोल्ड में थाली सेट आ रहे हैं, वो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, होटलों में भी जा रहे हैं, धनतेरस में हम वही लेंगे। बर्तनों को लेकर के महिलाएं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती हैं, खास करके धनतेरस का जब त्यौहार आता है, तो कैसे इस बार आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं धनतेरस का त्यौहार और दिवाली का त्यौहार? दिवाली का त्यौहार बर्तन ले जाएंगे, घरों में सजाएंगे, उसमें पूजा का सामान रखेंगे, सब ऐसे मनाएंगे अच्छे से, बर्तन में पूजा का सामान लगा के अच्छे से। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। बर्तनों को लेकर के काफ़ी वैरायटी रहते हैं, काफ़ी चीज़ें रहते हैं, क्या कुछ इस बार दिवाली में खास रहने वाला आपके लिए? एक्सक्यूज मी सर, ऐसा है यहाँ तो डिप्टीगंज है, यहाँ तो दुनिया भर की बर्तन मार्केट है ये। आप कैसे मनाएंगे इस बार दिवाली? हम तो दिवाली ऐसे मनाएंगे बाबूजी, आपके साथ मनाएंगे जी। हम तो बाबूजी के यहाँ से ले जा रहे हैं जी। आप भी बाबूजी के यहाँ से ले जाओ तो हैप्पी दिवाली हो जाएगी। बिल्कुल, हम बाबूजी से जानना चाहेंगे, ये आपके यहाँ है मार्केटिंग करने, तमाम आपने यहाँ पे सामान भी रखी हुई, स्टील के वैरायटी हैं, पीतल के भी तमाम चीज़ें हैं, खास करके कस्टमर के लिए इस बार क्या कुछ ऑफर है? कस्टमर के लिए बहुत ऑफर होते हैं यहाँ पे, होलसेल मार्केट सारे कम रेट में मिलता है, बाजार में जो चीज़ मिलेगी 200 रुपये की यहाँ मिलेगी 150 रुपये की, होलसेल मार्केट में आएगा तो कुछ ना कुछ फायदा तो उठाएंगे ना।
आइटम बढ़िया मिलेगी, गारंटी की मिलेगी जी, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस जिस तरह से यहाँ पे और भी लोग हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। जरूर 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 आप बताइए। और जिस तरह से बर्तनों को लेकर की जो तैयारियाँ रहती है, धनतेरस और दिवाली को लेकर की जो तैयारियाँ रहती है, वो कहीं ना कहीं बाजारों में दिख रही, वो जो रौनक है वो बाजारों में भी दिख रहा है। और बाजार सज चुके हैं, लोग बाजार पहुँच रहे हैं, खरीदारियाँ शुरू हो चुकी है, और धनतेरस के साथ साथ दिवालियों की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और इस बार आपका भी दिवाली बेहद खास हो, आप भी अपने परिवार के साथ खुशी मनाएं, और तमाम जो खरीदारी है वो दुकानों में जा करके करें, क्योंकि खास करके ऑनलाइन माध्यम एक जरूर है, लेकिन दुकानों में पहुंचे, अपने अगल बगल के दुकानदारों से खरीदी करें, ये सबसे बेहतर है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। यहाँ कुछ और भी दुकान मौजूद है, और सबसे पहले मैं दुकान के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे तमाम जो स्टील की बर्तनें रखी हुई है, और ख़ास करके धनतेरस के त्यौहार में बर्तनों का बहुत ही महत्व है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये पूरा स्टील का जो सेट है। यहाँ पे तमाम जो वैरायटी वैरायटी के बर्तन मौजूद हैं, और हम इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि बर्तनों को लेकर के तमाम धनतेरस में तैयारियाँ की जाती है, इस बार क्या कुछ बाज़ारों में खास है? ऐसा है, इस बार बर्तन के अंदर इतनी ज़बरदस्त बिक्री, इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि हम लोग पिछले 5 दिन से रात को 12-12 बजे जाते हैं यहाँ पे। बर्तनों के अंदर इस बार थाली सेट, और उसके बाद में जो है कॉपर और ब्रास की, कॉपर पीतल, इन चीज़ों की बड़ी बिक्री रही है। लोगों का रुझान स्टेनलेस स्टील के अलावा इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी रहा है। और मज़े की बात यही है कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो लेज़र कोटिंग है ना, जिस तरह से इसके ऊपर लेज़र करके, कई कलर करके इसको मैं कर गई, लोगों को इस तरह का रंगीन स्टेनलेस स्टील भी बहुत पसंद आ रहा है। और बहुत यहाँ पे थाली सेट जो है 100 रुपये से लेकर और 500 रुपये तक, 1000 रुपये तक भी हैं, जिसकी बिक्री इस बार अच्छी पकड़ी है। सदर बाज़ार का जिक्र करें तो दिल्ली में सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, होलसेल मार्केट है, लेकिन होलसेल मार्केट के अंदर जो नॉर्मल पीपल आ रहे हैं, जो खुदरा विक्रेता आ रहे हैं या ख़रीदार आ रहे हैं, तो उनको क्या कुछ बेनिफिट मिलता है इस मार्केट से? देखिए यहाँ पे जो है बेनिफिट, यहाँ आना, मैं एक बात मानता हूँ कि यहाँ आना बड़ा मुश्किल है जी। कि चारों तरफ से ट्रैफिक को पुलिस ने बंद कर रखा है क्योंकि भीड़ भाड़ की वजह से, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे अपेक्षाकृत माल, जैसे मॉल्स के अंदर हम लोग जाते हैं या रिटेल कॉलोनीज के अंदर जाते हैं, वहाँ से लगभग 30% का फ़र्क मिलता है यहाँ पे, 30% सस्ता माल मिलता है यहाँ पे जी। और इसलिए लोग यहाँ पे आना जो है पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जेब की बड़ी कफायत होती है, बहुत खर्चा बचता है उनका यहाँ। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे हम जानेंगे धनतेरस में बर्तनों का काफ़ी महत्व है, आप किस तरह से इस पर अपना धनतेरस और दिवाली मना रहे हैं? ये देखो भाई साहब, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन दुकानों पे बहुत भीड़ होती है, स्टील के बर्तनों को खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है धनतेरस पे। आप कैसे मना रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं? हम भी स्टील के बर्तन खरीदते हैं भाई साहब, स्टील के बर्तन खरीद के ही धनतेरस का त्यौहार मना रहे हैं। आई बार ही खरीदते हैं जी, आई बार ही हम यहाँ आते हैं मार्केट में जी, और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के और बढ़िया बर्तन इस डिप्टीगंज मार्केट में मिल जाते हैं सस्ते रेट पे जी। बिल्कुल, धनतेरस में बर्तनों का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बर्तन से घर की लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तमाम चीज़ें की जाती है, तो वो धनतेरस में बर्तन सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और धनतेरस के दिन जो सभी लोग होते हैं वो बर्तनों की दुकान पर भी पहुँचते हैं और बर्तन खरीदते भी हैं। और जिस तरह से सदर बाज़ार की बात करें तो सदर बाज़ार में बहुत ही बड़ा बर्तनों का होलसेल मार्केट है, जहाँ पर खुदरा बर्तन भी मिलता है। और जिस तरह से आप मार्केट में भीड़ भी देखे थे, यहाँ पे लोग पहुँच भी रहे हैं, और सदर बाज़ार में तमाम चीज़ों का भी व्यवस्था किया गया है, प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो सुरक्षा है वो भी पुख्ता किया गया है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।